एक युवा विद्वान ज्ञान की तलाश में दुनिया भर में यात्रा करते करते पहाड़ों पर स्थित एक मठ में पहुंच जाता है। वहां एक प्रसिद्ध गुरु रहते थे और विद्वान उनके मार्गदर्शन में सीखना चाहता था। गुरुजी, मैं आपके मार्गदर्शन में सीखने आया हूँ। ठीक है, बैठ जाओ। अपने बारे में कुछ परिचय दो। विद्वान अपने बारे में ठिंग मारना शुरू कर देता है। वो अपनी पढ़ाई और डिग्रियों के बारे में बहुत गर्व से बोलता है। जब भी गुरुजी कुछ बोलना शुरू करते हैं, तब विद्वान उनको बीच में काट देता है और अपनी बड़बड़ाई जारी रखता है। तभी एक सहायक चाय लेके आता है और उनके सामने रख के चला जाता है। गुरुजी शांति से विद्वान के कप में चाय भरने लगते हैं। भरते भरते चाय उबर कर जमीन पर बहने लगता है और विद्वान के कपड़ों तक बह जाता है। विद्वान चौंक जाता है। रुकिए, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा, कप भर गया है। हाँ, बिल्कुल सही है, तुम इस भरे हुए कप की तरह हो। तुम्हारा दिमाग बहुत सारे विचारों से भरा है, इसमें और कुछ ज्ञान प्रवेश नहीं होगा। चलो जाके खाली कप ले आओ।